हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अमूल जैसी फ्रेश क्रीम आप घर में कैसे बनाएं। क्रीम बनाना बहुत ही आसान है। एक मिनट में फ्रेश क्रीम आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल झटपट। एक चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मेरा गला बहुत खराब है, आवाज बैठी हुई है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, होली आने वाली है तो फ्रूट क्रीम डेजर्ट्स बनाएंगे, तो ये क्रीम उसमें बहुत काम आएगी। कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी हो, जैसे पनीर की सब्जी या कोई भी, सभी में क्रीम की जरूरत पड़ती है। और जैसे अभी फेस्टिवल आने वाला है तो ये क्रीम आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेश क्रीम बनाने के लिए ये मैंने ली है 1 कप दूध की मलाई। सिंपल जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है उसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। और ये मैंने लिया है 1/4 कप दूध। दोनों ही चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे मलाई 1/4 कप दूध। अगर हम पानी डालेंगे तो ये मक्खन बन जाएगा, इसलिए यहाँ हम 1/4 कप दूध का यूज कर रहे हैं। अब हम ब्लेंडर की मदद से 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे। आप ब्लेंडर की मदद से कर सकते हैं, मिक्सी से कर सकते हैं, तो मैं यूज कर रही हूँ ब्लेंडर। सिर्फ 1 मिनट हम ब्लेंड करेंगे। और इसको बिल्कुल 1 ही मिनट के लिए चलाएंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये मक्खन बनने लगेगा। और ये लीजिए, हमारी फ्रेश क्रीम अमूल जैसी बिल्कुल तैयार है, और वो भी इतने आसान तरीके से घर में। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में, और ये देखिए कितनी बढ़िया फ्रेश क्रीम तैयार हो गई। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया क्रीम बनी है। तो आपने देखा कि फ्रेश क्रीम बनाना कितना आसान है। अब इस क्रीम को आप चाहे ग्रेवीज में डालिए, डेजर्ट्स में यूज कीजिए, आइसक्रीम बनाइए, बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल बाजार जैसी व्हिप क्रीम भी इससे बना सकते हैं। व्हिप क्रीम की रेसिपी मैं इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आप क्रीम से व्हिप क्रीम कैसे बनाए, तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी क्रीम से होली पर आप बढ़िया सी फ्रूट क्रीम भी बना सकते हैं। आप वनीला एसेंस, शुगर और फ्रूट्स कट करके डालिए, आपकी फ्रूट क्रीम घर में ही बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।